नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर एकदम भयंकर उथल पुथल चल रही है। अब यहाँ पे बांग्लादेश क्या बोल रहे हैं अपने डिप्लोमेट से, भाई साहब जल्दी वापस आ जाइए, हमको बहुत सारे देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं, क्योंकि यहाँ पे भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट इस तरह से हो रहा है कि बांग्लादेश दोस्तों कांग्लादेश बन गया है, एकदम कंगाल हो गए हैं ये। अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, भयंकर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 130 बांग्लादेश गारमेंट फैक्ट्रीज क्या हो गई भाई साहब, बंद। 130 बांग्लादेश फैक्ट्रीज क्या हो गई गारमेंट सेक्टर वाली, बंद। तो सर बंद हो गई तो प्रोटेस्ट तो होना ही था सर, होना ही था। तो फायदा किसको हुआ सर, तो फायदा हो गया भारत को, भयंकर फायदा हो गया। अब यहां पे मैं आपको खाली एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश टेक्सटाइल को लॉस हुआ तो यूपी को हुआ गेन, और कितना हुआ, 10,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट आ रहा भाई साहब कहां पे, यूपी के अंदर। अब जिसमें बताया जा रहा है कि मेजर ब्रांड्स उन्होंने अप्रोच किया यूपी गवर्नमेंट को, बोला भाई जो आपका टेक्सटाइल पार्क है वहां पे लखनऊ में, हम वहां पे क्या करना चाहते हैं भाई साहब, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज डालना चाहते हैं। अब इससे सर फायदा क्या होगा, देखिए ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहेगा बहुत भयंकर ग्रोथ करेगा दोस्तों। 350 बिलियन डॉलर का बोलते हैं एक्सपोर्ट होने वाला है 2030 तक, और 600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बोलते हैं ना आंकड़ा टच करेंगे हम कब तक, 2047 तक दोस्तों। जिससे लगभग 6,000 करोड़, माफ करिएगा, जिससे 6 करोड़ लोगों को क्या मिलने वाला है, जॉब मिलने वाला है 2030 तक। अब ये अच्छी बात है ना सर, इसको सुनने के बाद दर्द किसको हुआ, बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश भी क्या बोलूं दोस्तों, कौन से जोश में था यहाँ पे, ये दोस्ती करने बैठे थे यूएसए से, अमेरिका से। अब यहाँ पे इनको ये समझना चाहिए कि गांव में अगर आपको रहना है तो गांव में पहले हम दोस्ती किससे करते हैं, हमारा रिलेशन किससे अच्छा बना करके रखते हैं, पड़ोसियों से। अब इनको रिश्ते बनाना है अच्छा यूएसए से, इनको बाद में समझ में आ गया भैया जंगल में रहना है तो शेर से दुश्मनी नहीं करना है, और पानी में रहना है तो मगरमच्छ से। अब वही हाल हुई है इनकी। अब जब जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में जब ये गए यूनुस चचा, तो इन्होंने इच्छा जताई कि हम भारत से भी बात कर लेंगे, बाजू में कुर्सी लगाएंगे, जैसे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात कर लिए थे। पाकिस्तान वादा करके गया भैया हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट का कुछ खबर नहीं आ रहा है अभी। तो इन्होंने कोशिश किया कि चलिए हम भारत से भी बात कर लेंगे, तो भारत का स्टैंड एकदम क्लियर था, भैया जब तक तुम्हारे यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ना वो बंद नहीं करोगे ना, तुम्हारे से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब इनका बोलते हैं ना रेडियो एक्टिव हो चुका है, अब इनको समझ में आ गया करना क्या है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम बहुत सारी चीजें बदलने वाले हैं, तो बांग्लादेश के अंदर कूटनीतिक फेरबदल बहुत भयंकर होने वाला है। भारत सहित 5 देशों से लोग ने क्या किया, अपने राजदूत को वापस बुला लिया। तो मैं यहाँ पे बात करूं, इसी इन्होंने बेल्जियम से बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया से, पुर्तगाल से, और ये न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र के जो यहाँ पे स्थायी जो मिस्टर इनके जो राजदूत तैनात थे वहां से भी इनको बुला लिया, और बोल दिया कि भैया राजधानी हमारे जो ढाका है आ जाइए, गणतंत्र आ जाइए, बहुत सारी बातें करना है, डिस्कस करना है, भारत से रिश्ते सुधारना है, भारत से रिश्ते सुधारना है। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि जो भारत के साथ में हमारा जो तीस्ता जल बंटवारा वाला जो था ना, हम जिसपे इशू चल रहा था, हम वो सुधारना चाहते हैं। मतलब ये भारत से दोस्ती की डिस करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, अब ये डिस्कस करना चाहते हैं, चलिए उस पर भी हम आएंगे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये इन्होंने राजदूतों को, मतलब भारत से राजदूत बांग्लादेश का वापस चला गया, तो लोगों ने आकलन लगाया भाई साहब ये क्यों हो रहा है, तो जो नंबर आया फर्स्ट लिस्ट पे भाई साहब, अब बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो सकता है, तो चुनाव के लिए भाई साहब बुलाया गया राजदूतों को, जरा डिस्कशन करें क्या करना है भाई साहब। और ये बांग्लादेश बोलते हैं एकदम संकट से जूझ रहा है, तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, अब ये लोन नहीं भर पा रहा है, रशिया अलग से मांग रहा है, इंडिया इधर से अलग मांग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे बोलते हैं ना इनको समझ में नहीं आ रहा भाई जल्दी जल्दी पहले चुनाव कराओ, जो सरकार आएगी देखेगी। अब शेख हसीना को बोलते हैं हटाने के बाद, जानते हो यहाँ पे बहुत सारा बोलते हैं ना आंदोलन हुआ शेख हसीना को हटाने के लिए, जिसमें 700 से अधिक लोग मारे गए। 5 अगस्त को शेख हसीना भारत चली आई, उसके बाद जो वहां पे अल्पसंख्यक जो लोग हैं, वैसे हिंदू हैं जिनकी बात कर रहा हूं मैं, उन पे लगभग 205 बार हमले हुए, 205 जगहों पे अलग अलग तरीके से हमले हुए उनके ऊपर हुए। तो ये सबको देखने के बाद तो बोलते हैं ना भारत का स्टैंड क्लियर था, भैया तुमसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। तो इन्होंने मुद्दा लाया कि हाँ हम अब क्या करना चाहते हैं कि ये जो तीस्ता जल बंटवारा वाला है उसको थोड़ा सा हम सुधारना चाहते हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं। पहले इंटरनेशनल कोर्ट चले गए थे, यूएन में चले गए, अब बोले हम जाएंगे यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वहां पे करेंगे। अब इनके समझ में आ गया भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये भारत से बैठ करके बोलते हैं ना, बांग्लादेश और भारत बैठ करके बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, तब जाकर के क्या होने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। इनको ये बात अब समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों ये एक्चुअल में है क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा हल्के से समझ लेते इसको।
अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो है आपका ये है तीस्ता नदी। अब ये दोस्तों ना बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच से बहती है, और ये कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, या सिक्किम और पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई कहां बांग्लादेश में मिलती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में से क्या बोलते हैं जमुना नदी कहते हैं। अब ये क्या है, पानी जो बोलते हैं ना तीस्ता नदी से जो पानी आता है उसका बंटवारे को लेकर के ये जो पूरा बोलते हैं ना मेन प्रॉब्लम चल रहा है। भारत को एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए इस नदी का, और बांग्लादेश को थोड़ा सा कम मिलना चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनके मतलब बाकी सब चीजों को देख करके, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि नहीं हमको थोड़ा सा ज्यादा पानी चाहिए। अब ये देखिए इस नदी का भी बोलते हैं एक महत्व है, सिक्किम के मैदानी इलाकों को ये पूरी पानी बोलते हैं ना ये नदी क्या करती है पानी प्रोवाइड करती है, और बांग्लादेश का एक बड़ा भाग जो बोलते हैं लगभग 2800 वर्ग वाला किलोमीटर का क्षेत्र के लिए सिंचाई का काम आता है ये पानी, और इस नदियों से बोलते हैं ना हजारों लोग बोलते हैं ना इसे डिपेंड इनकी डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है कि इस पानी पे क्या लोग है डिपेंडेंट है। अब इसमें एक चीज हो रहा है कि भैया कि चलिए अब ये जो विवाद बढ़ रहा था उस इस चीज को लेकर के था कि इस नदी पे ज्यादा हक जो था किसका था पानी का, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100 रुपया है तो उसमें आप समझ लीजिए 70 या मैं पकड़ लूँ 60% पानी तो जो है वो मिलना चाहिए किसको भारत को, और बचा हुआ 40% पानी का हिस्सा किसका होना चाहिए बांग्लादेश का होना चाहिए। तो उस 100% में अगर भारत का 60% होता है तो इनको 40% मिलना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि हमको 60 दे दो भारत को 40% मिल दे, यही सबको लेकर के बोलते हैं ना विवाद लंबे समय तक चल रहा था। हालांकि अब इनको समझ में आ गया है कि भैया अब इसको बोलते हैं ना बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में रह करके शेर से दुश्मनी नहीं करते। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और बांग्लादेश के अंदर कब चुनाव होता है और कौन सी सरकार आती है वो ज्यादा फेवरिज्म देती है यूएस को, क्योंकि तो यूनिस तो मोहम्मद यूनिस तो पूरा प्रो अमेरिका ही वाले हैं, बड़ी स्वागत होगत हुआ था उनका अमेरिका में, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आप सब दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।